एक नया दौर हम देख रहे हैं कुछ महीनों से, और उसमें हम जो पहले इतनी निरंतरता से नहीं जुड़ते थे, अब वह जुड़ने की फ्रीक्वेंसी निरंतर हमारी बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। बहुत बड़े संकट से दुनिया गुजर रही है, हम सब गुजर रहे हैं, और मानवता का ऐसा दौर असामान्य ही कहा जाएगा। यदि रोग की ही बात की जाए तो 100 साल पुराना जो संदर्भ हमारे सामने इन्फ्लुएंजा का है वो है। लेकिन मैं समझता हूँ, यद्यपि मैं पहले चर्चा ये भी कर दूं कि मित्रगण आने शुरू हो गए हैं, योगेंद्र शर्मा जी नमस्कार, रेखा नेडिया हमारी छात्रा भी आ गई है, मनोज जैन जी स्वागत, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा और मित्र आते रहेंगे, बातचीत जारी रहेगी। देखिए, 1977 में तूफान आया था हमारे पूर्वी तट पर, और लाखों लोग इसलिए मारे गए थे कि सूचना का तंत्र हमारे पास बहुत विकसित नहीं था। आज हम आपदग्रस्त हैं ये तय है, लेकिन इसके बावजूद सूचना का एक बड़ा तंत्र हमारे पास ऐसा मौजूद है जिसके कारण हम इतना जुड़ाव तो रखते ही हैं, साथ ही सुरक्षा तंत्र भी हमारा मजबूत हुआ है। खैर, वो एक अलग बिंदु है। आज हम साहित्यिक की गीतों की बात करेंगे, और धीरे धीरे जब मित्रगण आते रहेंगे, और जो हमारे तीन अभी श्रोता मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, और भी हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या। अनिल कुमार जी आ गए हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा, शायर शिवशरण बंधु जी भी आ गए हैं, सिर्फ एक संकेत दे दें कि मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही है आप तक। यदि ये संकेत मुझे लिखित रूप में प्राप्त हो जाता है तो मुझे अधिक सुविधा होगी अपनी, क्योंकि ये एक तरह से कुछ कुछ एक तरफा माध्यम है, तो इसमें जुड़ाव में थोड़ा सा एक कंफर्म करना ये जरूरी हो जाता है। तो मैं जैसा कह रहा था कि शिवाहम जो ये साहित्यिक मंच है, यह मैं देख रहा हूँ निरंतर बड़े दिग्गज कवियों को बुला रहा है, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी उन्होंने अवसर दिया। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। बहुत सारे बड़े बड़े कवियों को मैं निरंतर इस मंच पर सुन रहा था, और ये भी एक सुविधा इसमें है कि ये रिकॉर्डेड रूप में हमारे पास विद्यमान रहता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम इसको आगे चलकर तत्काल नहीं सुन पाते हैं, तो उसके बाद भी देखते रह सकते हैं, ये एक सुविधा कम से कम हमारे पास है। तो धन्यवाद भावना जी, आपने स्वागत किया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुसुम सिंह आ गई हैं, देवेंद्र शुक्ल सफल जी, सभी को मेरा नमस्कार, कुमार ललित उपस्थित हो गए हैं, अमरनाथ अमर जी भी आ गए हैं, अनिमेश शर्मा। खैर, आज के कार्यक्रम की जो बात है, 1 घंटा हमारे एक मित्र, मैंने सुना था पिछले बार तो कह रहे थे कि बहुत थोड़ा समय होता है, मुझे शायद ये कहना चाहिए कि 1 घंटा काफ़ी होता है, और 1 घंटे में हम बहुत कुछ कह सुन सकते हैं। यदि हम रिप्रेजेंटेटिव कहने की बात करें तो ये कम नहीं है, लेकिन मैं एक विशेष रूप आज के कार्यक्रम को यह देना चाहूँगा कि 1 घंटा जब हमारे पास है ही, तो क्यों ना इधर उधर से या इस गीत के बाद वो गीत ऐसे प्रस्तुत किया जाए। बल्कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जो पूरी गीत यात्रा है उसका क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ है, उसी रूप में यदि गीतों को प्रस्तुत करूँगा तो मेरे मित्रों को उस यात्रा को समझने में सुविधा होगी, ऐसा मैंने आज सोचा है, और उसी रूप में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। भावना जी का जैसा निर्देश था कि इस कार्यक्रम में मुझे गीत ही पढ़ने हैं, यो गालिब का एक शेर है, मैं अक्षरशः उसकी बात नहीं कर रहा, उसका भाव सिर्फ बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरे सारे उन्वान को एक ही काव्य रूप में कहना संभव होता, ऐसा तो संभव मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए उन्होंने विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया है।
और मैं भी समझता हूँ कि यदि एक कवि बहुत कुछ अनुभव करता है, और शाहिर जैसा कहते हैं कि जिस तरह का हमें कटु अनुभव मिलता है यहाँ जिंदगी में, उसी को हम लौटाते हैं शेष दुनिया को अपनी शायरी के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से। तो इस रूप में मैंने गीत ज़्यादा लिखे हैं निस्संदेह, और छंदोबद्ध ज़्यादा लिखा है निस्संदेह। इसके बावजूद मेरी कुछ छंद मुक्त रचनाएं भी हैं, कैसे कैसे वो दौर चला वो भी है, और बीच में कुछ गजलें भी मैंने कही हैं, और बहुत सारे दोहे भी कहे हैं जिनका उल्लेख हमारे कुछ मित्रों ने अपने लेखों में किया है, और पढ़ते हुए हम उनको उनके बीच से पत्र पत्रिकाओं में गुजरते रहे हैं। कृष्ण भारतीय जी आ गए हैं, नमस्कार। और जगदीश जैन जी नमस्कार, आप आए और ये हमारा 1 घंटा साथ बीतेगा। हम सबके लिए, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी शायद ये कुछ आनंद की क्षण लेकर आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम अनेक विधाओं में लिखते हैं सभी, और मैं तो कम से कम उपन्यास नहीं रच पाया, कहानियां भी मैंने कुछ लिखी जो कभी जात एक दो चार प्रकाशित हुई, लेकिन किसी के सामने, शायद हमारे मित्रों के सामने कमी आई होंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो गद्य पद्य की बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। मैं आज भावना जी के आदेशानुसार सिर्फ गीत पाठ करूंगा। प्रतिभा जी स्वागत आपका, विश्वनाथ जी। और इस यात्रा का जब मैं पुराने छोर को छूने की कोशिश करता हूँ, पीछे जाने की कोशिश, सीमा शर्मा जी स्वागत, आप आई, ज्योति त्रिपाठी जी, ये हो सकता है कि मैं सबके नाम तत्काल न ले पाऊँ, धीरे धीरे हम, लेकिन जितने भी मित्र यहाँ पधार रहे हैं उन सब की उपस्थिति मुझे आह्लादित भी कर रही है, प्रेरित भी कर रही है, आनंदित कर रही है निसंदेह। तो लगभग 55 साल पीछे मैं लौट जाता हूँ जब पिछली यात्रा की बात आती है, और मेरी डायरी में जब नीर नदी का सूख चुका तब बांध टूटने का भय, क्या ऐसी कुछ एक गीत की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, बहुत 1967 जस 10वीं क्लास जब मैंने पास की थी, 15 साल की अवस्था में वो मुझे याद आता है। फिर मैंने लगभग 69, 70, 71 के वर्षों में, इन 3 वर्षों में निरंतर मैंने उस तरह के गीत लिखे जिन पर मैं महादेवी का प्रभाव मानता हूँ, बच्चन का प्रभाव मानता हूँ, छायावादी कवियों का प्रभाव मानता हूँ, और उस काल के संजय शुक्ल जी नमस्कार स्वागत, ये क्रम चलता है वहाँ से। और ये निरंतर इतना लिखा गया उस समय कि मैंने बीए में पहुँचते पहुँचते एक पांडुलिपि तैयार कर ली 51 गीतों की, और उसकी एक भूमिका भी लंबी चौड़ी, उस तरह के जो किशोर जिस तरह का लिख सकता है, गीत भी किशोर के लिखे हुए और भूमिका भी किशोर की लिखी हुई। लेकिन जब छपने छपाने की बातें आई तो मुझे तो पूरी दुनिया के सारे तंत्र का मालूम नहीं था। बाद में मैं जब दिल्ली पहुंचने की बात आगे करूंगा, और वहां पहुंचने के बाद छपने का सिलसिला आता है, तो मुझे लगा कि अभी इन गीतों को छपाने की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है और इनकी शैली, इनकी शब्दावली, इनका कथ्य जो है बहुत पुराना है। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ एक गीत उस युग से पढ़ूंगा जो 69, 70, 71 के गीत है। 72 के बाद 73, 74 में 2 वर्ष मैंने मुक्त छंद की कविताएं लिखी बहुत सारी। फिर जब मैं 75 में दिल्ली आता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अध्यापन शुरू करता हूँ, और उसी समय योगेंद्र जी हमें दिखाई दे रहे हैं, योगेंद्र जी से पहले फिर आदरणीय देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का आशीर्वाद मुझे मिला था, और वहाँ से जो मेरा सिलसिला शुरू होता है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने गीतों को बदल देने की जरूरत है, और वो बदलाव शुरू होता है 1975 के आसपास से। वहाँ से मैं अपने कुछ गीत आपके सामने रखूँगा। शशि शुक्ल जी नमस्कार, आभा मेहता जी, वेद शर्मा जी आ गए हैं, मेरे गीतों की बड़ी अच्छी व्याख्याएं वो करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि क्यों ना मैं 1969 से बात करूं, और सिर्फ एक गीत उस दौर का, 4 मुख्य पड़ाव मानकर चलता हूं आज की इस 1 घंटे की काव्य यात्रा की। एक में मैं एक गीत जैसे उस दौर का पढ़ता हूँ जो 1969 से 72 तक के मैंने लिखे थे। फिर 1975 से और 83 तक जब मेरा संग्रह गीत पर्व आया है वो प्रकाशित होता है, तो 4-5 गीत में कुछ उससे पढ़ूंगा। और फिर पंख होते हैं समय के, ये
ये जो अगला संकल मेरा आया था उसमें से मैं अपने गीत पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर बरगद जलते हैं जो 1997 में आ गया था, 98-97 में, फिर कुछ असंकलित हैं अभी बहुत सारे गीत, तो वो उनमें से मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। अतुल पाठक जी नमस्कार, आप आए तो देखिए मैं ये गीत सबसे, अब इसको आप यदि आप उसकी आलोचना करना चाहें, इसकी समीक्षा करना चाहें, तो उसी दृष्टि से कीजिए कि ये 17 वर्ष के एक किशोर का गीत है, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके उसका कथ्य जो है उसी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए थोड़ा कई स्टेंजाज में गीत लिखने का उस समय रिवाज था, फिर भी 5 स्टेंजा का गीत है, बाद में मैंने बहुत छोटे गीत लिखे इसकी तुलना में, तो ज़्यादा समय मैंने लेते हुए गीत पढ़ता हूँ, फिर क्रम आगे इस क्रम को बढ़ाता हूँ। पहला गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। जीवन क्या बस कथा अधूरी, एक विवशता मिलन कराती, दूजी विसरण की मजबूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी, सागर की कंपित छाती पर एक लहर व्याकुल सी आती, टकरा कर वह निष्ठुर तट से बिखर बिखर कर ही रह जाती, रो रो अपनी करुण कहानी रेती ले तट पर लिख जाती, हाय विकलता इस जीवन की पल दो पल में वह मिट जाती, हाय विकलता इस जीवन की पल दो पल में वह मिट जाती, लघु लहरों की जीवन में क्यों साधे रहती सभी अधूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी। आलोक बेजन जी नमस्कार, आप आए, और इस तरह से उस गीत बढ़ता है उस शैली का कि उपवन की कुछ हरियाली पा विहग डाल पर नीड रचाए, सपनों के लघु तिनके बुनकर जीवन के अनुकूल बनाए, एक बहुत सुनी संध्या में और विहंगम उड़ता आए, एकाकी भोला पंछी तब उस पंछिन को पास बुलाए, कुछ दिन चहके एक डाल पर, कुछ दिन चहके एक डाल पर उजड़े नीड बढ़े फिर दूरी, कुछ दिन चहके एक डाल पर उजड़े नीड बढ़े फिर दूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी। रवीश रमन राय जी स्वागत। कोमल किशलय की गोदी में एक कली जब जगती सोती, रजनी के भीगे आंचल से तुहिन कणों की वर्षा होती, देख भोर में मिटते तारे उसके दिल में हलचल होती, कल मुझको भी तो मिट जाना सोच यही वह पगली रोती, हंसते खिलते खिलते हंसते, हंसते खिलते खिलते हंसते, रजकण में भी मिले जरूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी। सवाल खड़े हो रहे हैं उस किशोरावस्था में मन में, और उसी तरह का जिज्ञासा भरा एक स्वर फिर आता है कि क्यों जीवन के प्रांगण में हम पल दो पल को मिल पाते हैं, प्रिय की कंपित छाती पर सिर अपना रख कर सो जाते हैं, जागे तब ही सपना टूटे, जागे तब ही सपना टूटे, एकाकी खुद को पाते हैं, तब मिलना क्या सपना ही है, तब मिलना क्या सपना ही है, बाकी बातें सभी अधूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी। पलकों में आए आंसू से, गीत के स्वर भाषा आपको बता ही रहे हैं कि किस काल की किस तरह की रचना है। उमंग सरीन जी नमस्कार, भारतीय जी आपको अच्छी प्रस्तुति लग रही है, धन्यवाद। दुखी जीवन की कथा रही की याद आ रही है कुसुम सिंह को इस गीत को सुनकर, मैंने कहा ही है कि महादेवी बच्चन आदि का प्रभाव मेरी उस समय की कविताओं पर रहा और वो स्पष्ट हो रहा है। योगेंद्र जी इसको सराह रहे हैं तो मुझे निश्चित रूप से उत्साह मेरा बढ़ रहा है। तो पलकों में आए आंसू से झुलक चले जाते पिछले दिन, तब दिल में बाकी कसक रहे या दर्द भरा कुछ भीगापन, यह भीगापन सत्य भले हो लेकिन कट छलना यह जीवन, छलनाए ही जीवन सीमा, छलनाए ही जीवन सीमा, छलनाए ही मन का बंधन, बिखरे मन के गान अधूरे तान न हो पाती पूरी, बिखरे मन के गान अधूरे तान न हो पाती पूरी, जीवन क्या बस कथा अधूरी।
तो यह वह दौर होता है 17-18 साल की जो उम्र होती है या 16 साल की जो उम्र होती है, जिसमें हम काल्पनिक प्रेम की कविताएं लिखते हैं। लगता है कि हम वास्तविक प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। ज़्यादा हमारा पढ़ा हुआ जो होता है, तो वो जो हमारे भीतर स्मृतियों में गूंज रहा होता है, उसी के प्रभाव से ये चीज़ें आती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने लगभग 60-70 गीत उस दौर के लिखे थे, लेकिन और 51 गीतों की पांडुलिपि बनाई थी, जो आज तक अप्रकाशित ही है मेरे पास। वो छपेगी या नहीं छपेगी, वो तो बाद की बात है। अब मैं अगले दौर में आता हूँ, जो मैंने गीत पर आया है कि चर्चा की कि 1975 से लेकर 83 तक के जो मेरे गीत हैं वो उस दौर में। 75 आपको याद होगा क्योंकि ये अक्टूबर 75 का गीत है। जून 75 में स्थितियां बदल गई थी देश की, तो अक्टूबर 75 का गीत है, तो कुछ छायाएं उस समय की जरूर आपको मिलेगी, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस समय कस्बे का एक बहुत ही सीमित अनुभव वाला और महानगर की बहुत सारी बातों से और वातावरण से अपरिचित जो, और पढ़ाया भी मैंने 1 वर्ष पहले एमए करते ही कस्बे में, तो 1975 में जब दिल्ली महानगर में आता हूँ, तो उस समय की छटपटाहट, जिस समय सोच रहा था कि शायद मैं दिल्ली नहीं रहूंगा, लेकिन दिल्ली तो गुड़ भरा हसिया है, न छोड़ते बने और निकलते बने, और जो और कौन जाए जौक दिल्ली की गलियां छोड़ के। तो दिल्ली की गलियां छोड़कर तो हम नहीं जा सके, लेकिन दिल्ली आने पर जिस तरह का कटु अनुभव हुआ, वो योगेंद्र जी ने इस गीत को आजकल में छापा था, और इधर छपने वाला गीतों में ये लिख शायद 78 में छापा था उन्होंने, और ये 75 अक्टूबर का गीत है, मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और यहाँ से मेरे गीत का एक दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जो पहले तरह के गीतों से उसका स्वर नितांत भिन्न है। मेरे नए मित्र जयराम जय आ गए हैं, अर्चना उर्वशी आ गई हैं, अरुण अनंत आ गए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, और अब मैं इस यात्रा को आगे बढ़ा। अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिल। अब पहले वाली भाषा में एक ही शब्द ने युगांतर उपस्थित कर दिया है। सलीब की कल्पना मैं कम से कम 1971, 72, 73 के गीतों में नहीं कर सकता था कि मैं इस शब्द का प्रयोग गीत में करूंगा, लेकिन यहाँ आने पर चीजें किस तरह से बदल रही हैं और भाषा कैसे बदलनी शुरू हो जाती है। शशि शुक्ला जी नमस्कार। अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिल, भीड़ के पहियों तले कुचली हुई पाखें, धुंद में पथ खोजती कोहरा गई आंखें, समय की हथकड़ी पहने गंध से बहके हुए दिन, समय की हथकड़ी पहने गंध से बहके हुए दिन, सीख चौके पार बंदी सिसकियां सोई, डहन टूटी सांझ वन में भटक कर खोई। और सीखचों के पार सिसकियों का जो बिंब है, इससे मैंने कहा कि आप उस दौर के उस समय के को याद कर सकते हैं। अशोक अंजुम जी नमस्कार, आपकी उपस्थिति उत्साह बढ़ा रही है। अतुल पाठक जी और अशोक पांडे, अनहद जी, गोविंद श्रीवास्तव जी, आप सब आ रहे हैं। शशि शुक्ला जी, आपका आना मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। तो सीखचों के पार बंदी सिसकियां सोई, देन टूटी सांझ वन में भटक कर खोई, ढो रहे निर्वास यात्रा धूप से दहके हुए दिन, अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिन, अब सलीबों पर टंगे हैं और परिचयों की चूड़ियां कल टूट कर बिखरी। गीत का जो आरंभ हो रहा है नए गीत का, उसमें अब यहां से वह स्थिति पैदा होती है जिसका जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, नवगीत। अब नवगीत की जो पहली विशेषता मैं मानता हूँ, वह स्व के घेरे से बाहर निकलने की है, और स्व के साथ साथ समाज को, समष्टि को जोड़ना, वस्तु परकता का समावेश, इसको मैं नवगीत की पहचान के रूप में देखता हूँ। और इस रूप में जो पहले दो स्टेंजा है वो विशेष रूप से मैं जुड़े हुए मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि नवगीत में स्वानुभूति के जो निजी संदर्भ हो पूरी तरह निष्कासित होते हैं। जैसे सुभाष वशिष्ठ जी नमस्कार, आप आए, बहुत आभार। तो जैसे अंतिम स्टेंजा है वो कहीं निजी अधिक है पहलुओं की तुलना, पहले दो स्टेंजा की तुलना में। परिचयों की चूड़ियाँ कल टूट कर बिखरी, शिलाओं की परत अब हर सांस पर उभरी, उड़ गए अनजान नभ में विहग से चहके हुए दिन, उड़ गए अनजान नभ में विहग से चहके हुए दिन, अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिन। तो ये मेरी यात्रा का, नई यात्रा का ये पहला गीत
कहा जा सकता है। और आभा मेहता जी नमस्कार, कृष्ण भारती जी भी गीत की प्रशंसा कर रहे हैं, खुशी मिली। अब मैं 25/5/69 को लिखा, ये 79 को सॉरी लिखा ये गीत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और कैसे अब संदर्भ बदल रहे हैं, निजी यात्राएं अब कैसे देश की यात्रा के साथ, समाज की यात्रा के साथ जुड़ती हैं। और निराला ने तो अर्चना आराधना और सांध्य काकली के गीतों में किसान जीवन और अन्य संदर्भों को लेकर उस वस्तु परकता का समावेश नवगीत में कर ही दिया था। हम उधर एक आलोक शिखर के रूप में उनको देख रहे थे और कुछ बातें अब समाज से जुड़कर कहने की कोशिश इस तरह से कर रहे थे कि वन में फूले अमलतास हैं घर में नाग फले। विडम्बनाएं जीवन की किस तरह की थी कि वन में फूले अमलतास हैं घर में नाग फनी, हम निर्गंध पत्र पुष्पों को दे सम्मान रहे, पाटल के जीवंत परस से पर अनजान रहे, सुधा कलश लुढ़का कर मरु में करते आग जनी, और वन में फूले अमलतास हैं घर में नाग फनी। ये आगजनी का दौर घटने की बजाय बढ़ता ही गया, ये मानव सभ्यता की विडंबना हो या न हो मैं नहीं जानता इतनी बड़ी, लेकिन भारत की विडंबना जरूर है। भारतीय जन समाज को यदि हम देखें तो सुधा कलश लुढ़का कर मरु में करते आग जनी, वन में फूले अमल ताश हैं और घर में नाग फनी, तन मन धन से रहे पूजते सत्ता सिंहासन। ये भी स्वभाव बनता चला गया कवियों का, हमारे साथी मित्रों का। मैं कोई बहुत उपदेश की भाषा में नहीं कह रहा और अपने आप को अलग करके नहीं कह रहा हूँ, मैं उसी वर्ग का उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहा हूँ कि तन मन धन से रहे पूजते सत्ता सिंहासन, हर भावुक संदर्भ यहाँ पर ढोता निर्वासन, राजद्वार तक जो पहुंचा दे वे ही राह चुनी, राजद्वार तक जो पहुंचा दे वे ही राह चुनी, और वन में फूले अमलदास हैं घर में नाग फनी। टूट गया रिश्ता अपने से, संवाद कैसे खत्म हो गया। हम आमतौर पर जैसे फेसबुक को लेकर भी मैं अंत में एक अंतिम दौर में एक गीत पढ़ूंगा, तो ये रिश्ता अब तो कुछ ज्यादा अब टूट कर जुड़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। ये बात जरूर है कि जो जुड़ना है हमारा लाइव प्रोग्राम्स के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सीमित है। साहित्य की भी बात करें, हमें इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि एक जमाना था कि धर्मयुग में एक गीत यदि किसी का छपा है तो फिर वो पूरे भारत में एक ही दिन परिचित हो जाता था कि ये कवि है। आज हम इतने फेसबुक लाइव करने के बाद और इतने सब करने के बाद अपनी उसी सीमित मित्र मंडली तक सीमित रहते हैं, इससे इस दायरे से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारे जो अभिव्यक्ति के दायरे हैं वो कितने बढ़कर भी सीमित हो गए हैं, यह एक विशेष स्थिति हमारे सामने है। श्रीश चंद्र जी दीक्षित जी आ गए हैं और मैं कह रहा था कि इसी गीत का अंतिम स्टेज पढ़ रहा था कि टूट गया रिश्ता अपने से, इतने सभ्य हुए औरों को क्या दे पाते, कब खुद को लभ्य हुए, दृष्टि रही जो अमृत वर्षिणी। जिस कवि की दृष्टि को अमृत बरसाना चाहिए था, लेकिन दृष्टि रही जो अमृत वर्षिणी, जलता दाह बनी, और वन में फूले अमलदास हैं घर में नाग बनी, वन में फूले अमलदास हैं। 80 के दौर में मैं 80 में पहुंचता हूं। मैंने जैसे कहा है आज शुरू में ही कि मुझे ये सुविधा और ये उपकार स्वयं मंच की ओर से मुझ पर हो ही रहा है, तो क्यों ना एक क्रमिक यात्रा को मैं प्रस्तुत करूं। जैसा मैंने कहा तो अब हम ये 18 फरवरी का एक गीत और कुछ बिंब इसमें मैंने पिरोए हैं, फिर वही निजता और समाज दोनों साथ साथ समानांतर ये एक सहयात्री के रूप में चले हैं। ये गीत साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा था लगभग उसी दौर में। ऐसा ही होता है यहाँ हर सफर में, ऐसा ही होता है यहाँ हर सफर में, कुछ हिलते रूमालों, कुछ भीगी पलकों के धुंधलाते अक्सों को याद में रचाए, हर खुलती खिड़की से कतरा कर नजरें हम गुजरे, इन कूचों से सहमे सकुचाए, शायद ही लौटे अब।
शायद ही लौटे अब आपके शहर में, ऐसा ही होता है यहाँ हर सफर में, ऐसा ही होता है। और एक एक कर पीछे छूट गए सारे, एक एक कर पीछे छूट गए सारे, वे दुआ सलामों के बोझिल सम्मोहन, बर्फीली खोहों में तोड़ चुके दम है, रोमिल खरगोशों से परिचित संबोधन, एक अजनबीपन ही भरा, एक अजनबीपन ही भरा हर नजर में, ऐसा ही होता है यहाँ हर सफर में, ऐसा ही होता है। और गीतों की गजलों की, अंजुम जी आप गजलें कहते हैं और हमारे बहुत सारे और मित्र भी कहते हैं, गीत भी लिखते हैं, क्या कविता के इस दौर में गीत और गजल को क्या सहना पड़ा, ये स्टेंजा में देखिए कि गीत और ये गीत और गजल भी सिंबॉलिक है, ये हमारी भावनाओं के प्रतीक। गीतों की गजलों की सांझ की ढलानों पर इधर उधर छितरी हैं, सांझ की ढलानों पर इधर उधर छितरी हैं गीतों की गजलों की नुची हुई पांखें, सांझ की ढलानों पर इधर उधर छितरी हैं गीतों की गजलों की नुची हुई पांखें, चुप्पी की किरचों की आंकती चुभन है, बदहवास चिड़ियों की भरी हुई आंखें, बहती है थकी हवा, बहती है थकी हवा डूब कर जहर में, ऐसा ही होता है यहाँ हर सफर में, ऐसा ही होता है। कवि मनीष गर्ग, मनीष जी, शांति सुमन जी, नमस्कार, आप आए मेरा सौभाग्य, और रमाकांत सिन्हा जी पधारे हैं। तो ये 80 का ही एक गीत और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये गीत देखिए, एक कामना होती है कवि की कि जिन विसंगत स्थितियों से रचना उपजती है, ईश्वर करे वो स्थितियां बदल जाए, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह रहती है कि गीत वर्तमान ही नहीं इतिहास बनता चला जाता है, और इतिहास बनने के बावजूद भविष्य बन जाता है। जैसे अंधेरे में जो कविता मुक्तिबोध की है, वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जब वो 1960-62 के आसपास लिखी गई थी तब जो सच्चाइयां थी, महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो 2020 के इतिहास को अधिक सशक्त रूप में, उस काल से भी अधिक सशक्त रूप में रेखांकित करती है। तो 1980 का ये मेरा गीत जो है, ये मैं आप लोगों के, कुमार शिव जी नमस्कार, मेरे अग्रज आते जा रहे हैं इस मंच पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रणाम सभी को। ये गीत मैं उस 80 के दौर से जोड़कर आपके सामने सुना रहा हूँ, लेकिन 90 भी आया, 92-96 गुजरते चले गए, 2020 तक हम पहुंचे हैं, क्या कुछ बदला जराए देखिए। आग चूल, दो स्टेंजा का गीत है ये, बहुत छोटा सा, आग चूल्हों की बुझी है, आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेद का कड़वा धुआं है, आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा नरमेद को आकाश का कड़वा धुआं है, अब समिध की जा रही है हवन कुंडों को समर्पित रक्त से सिंचित शवों की, एक तीखी गंध भरती जा रही नासापुटों में झुलसते शिशु की सलयों की, आदमी ने भूल से अंगार से दहके समय को मोम के हाथों छुआ है, आदमी ने भूल से अंगार से दहके समय को मोम के हाथों छुआ है, आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेद का कड़वा धुआं है। और दूसरा और अंतिम स्टेंजा इस गीत का कि दिख रही लेती उसारा कौन सी तहजीब की है यह इमारत, दिख रही लेती उसारा कौन सी तहजीब की है यह इमारत, लिखी जिसकी नींव के सब पत्थरों पर खून से ही है इबारत, क्या भला फरियाद करते दौर में इन हादसों के, खुद खुदा सहमा हुआ है, आग चूल्हों की बुझी है छू रहा आकाश को नरमेद का कड़वा धुआं है।
ये मैंने जैसे कहा कि शशि जी गीतों में प्रयुक्त शब्दों की बात कह रही हैं, धन्यवाद। मैंने जैसे कहा कि बेहतर होता चीजें जो कवि लिखता है वो उस तरह की फिर न लिखनी पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ये एक विडंबना है। तो अगला गीत समाज के बदलते हुए आचरण और व्याकरण को लेकर ही है, ये भी 1980 का गीत है, प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। कि किस कदर बदला हुआ है इस हवा का आचरण, गीत परवाया संग्रह में है सारे गीत जो 1983 में छपा था। किस कदर बदला हुआ है इस हवा का आचरण, शब्द तक ही कैद हर संदर्भ की शालीनता। हम मौखिक शालीनता से तो घिरते रहे, दिखावे की सभ्यता से तो घिरते रहे। शब्द तक ही कैद हर संदर्भ की शालीनता, पर अर्थ से आवारा हुए हर गली के मोड़ पर उच्छृंखला बजती धुने, क्यों गीत विषधारा हुए, पॉइजनिंग हो गया है गीतों का भी। तो हर गली के मोड़ पर उच्छृंखला बजती धुने, क्यों गीत विषधारा हुए, रच रहे अब वात्स्यायन नए युग का व्याकरण। किस कदर बदला हुआ है इस हवा का आचरण, और विडंबना, कोंपलों सी फूल सी वक्त की नाजुक हथेली दंश बिच्छू के सहे। कोंपलों सी फूल सी वक्त की नाजुक हथेली दंश बिच्छू के सहे, किस अंधेरे में दुबक भयभीत हो बैठी हया, सुन ढीठता के कह कहे और नंगे दिखते हैं, और नंगे दिखते हैं देह के ये आवरण। किस कदर बदला हुआ है इस हवा का आचरण, किस कदर बदला हुआ है इस हवा का आचरण। नए मित्र जुड़ते जा रहे हैं, प्रदीप शर्मा, प्रदीप पुष्पेंद्र जी, डीडी शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो ये काव्य यात्रा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, और एक साल पार कर लेते हैं, 81 में आते हैं। गीत पर्व आया है, शीर्षक जिस गीत से मिला वो गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यद्यपि मौसम का चित्र अच्छा ये भी है कि मैंने सर्दी गर्मी बरसात ऋतुओं से जुड़े हुए कई गीत तो लिखे हैं, समय की बात फिर मुझे थोड़ा ये लगा कि प्रतिनिधित्व देने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा गीत उस तरह के नहीं चुने, नहीं तो वर्षा से संबंधित बहुत सारे जो विभीषिकाएँ हैं हमारे, बाढ़ आदि की जो विभीषिकाएँ हैं उस तरह के बहुत सारे गीत मैंने लिखे हैं, लेकिन ये गीत थोड़ा दूसरे मिजाज का है और अलग तरह का। आप देखिए एक नई तरह का सौंदर्य आपको इसमें मिलेगा। धन्यवाद जयराम जी, आपको पिछले गीत की पंक्तियां पसंद आई। कि अध सोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है। अब बादल झुकने शुरू हो गए हैं दिल्ली में, देश के कुछ अन्य भागों में झुक भी चुके हैं, एक व्याकुलता एक आतुरता लिए हुए हैं, धरती से मिलन की आतुरता बादल में रहती ही है, तो वही आतुरता यहाँ है। कि अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है, गगन गुफा में जाकर अनहद में डूब गई, अब थी अब गायब है शायद रस बूंद हुई, यूं लगता है जैसे धूप किसी कबीरा की वेदांती माया है। तो धूप की स्थिति कि गगन गुफा में जाकर अनहद में डूब गई। आज तो सूर्य ग्रहण ने धूप का दूसरे रूप में भी अनावरण एक तरह से आवृत कर लिया था, छुपा लिया था अपने भीतर, उसको समाहित कर लिया था, लेकिन बादल इस मौसम में कैसे धूप को समाहित करते हैं वह चर्चा यहाँ। कि अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है, गगन गुफा में जाकर अनहद में डूब गई, अब थी अब गायब है शायद रस बूंद हुई, यो लगता है जैसे धूप किसी कबीरा की वेदांती माया है। अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल, और वर्षा और कालिदास याद ना आए ये संभव नहीं है। तो अगला जो बंद है गीत का, उस बंद में कालिदास बिल्कुल उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि मुग्ध ग्रामिकाओं की चल चितवन को हर्षा,
मुग्ध ग्रामिकाओं की चल चितवन को हर्षा, गंभीरा का जलपी वानीरों को सरसा, अलका के चिर उदास आंगन में फिर मेघ दूत आया है। मुग्ध ग्रामिकाओं की चल चितवन को हर्षा, गंभीरा का जलपी वानीरों को सरसा, अलका के चिर उदास आंगन में फिर मेघ दूत आया है। और अदसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है। अगली अंतिम स्टेंजा का जो के जो बिंब है मुझे तो पसंद है, हो सकता है आप लोगों को भी पसंद होगा, कि हवा चली खनकाती लय छंदों की पाई, हवा चली खनकाती लय छंदों की पायल, रेशमी फुहारों का उड़ उड़ जाता आंचल, आषाढ़ी अंबर से, आषाढ़ी अंबर से उतर आज धरती पर गीत पर्व आया है। अदसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है। नवगीत के संबंध में बहुत लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी नमस्कार, आप पहुँचे, बहुत आभारी हूँ। प्राय नवगीत के बारे में कहा जाता है कि शायद वो खड़गहस्त ही रहता है, हर समय तलवार ही हाथ में उठाए रहता है। ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ प्रेम भी नवगीत का विषय है, प्रकृति भी नवगीत का विषय है, और सामाजिक पीड़ाएं तो हैं ही। अंतर जो है पारंपरिक गीत में और नवगीत में, यदि प्रकृति चित्रण है और प्रेम का चित्रण है, तो एक नवीन शैली और नए बिंब और नई उपमाओं, नए अपस्तुतों का है। और वस्तुपरकता की जो बात मैंने कही कि वो जो एक सीमित पनघटी जो संवेदना थी, जो रसिया बालम वाले संदर्भ को ही ज़्यादा चित्रित करती थी, उससे नवगीत बहुत कटा हुआ है। इसलिए प्रकृति भी नवगीत का विषय बनी है, ये मैंने अपने इस गीत में आपके सामने रखा है। अब हम गीत पर वाया से आगे बढ़ जाए और जो मेरा दूसरा संग्रह है पंख होते हैं समय के, उसकी चर्चा हम करते हैं, उसके गीतों को लेते हैं क्रमशः। और वहाँ से जो मैंने एक गीत चुना है, फिर वही झटका जो हमें लग रहा है, जो बिजली के झटके हमें सहने पड़ रहे हैं, वहीं से इस गीत की मैं शुरुआत करता हूँ और आगे बढ़ेंगे। समय का मैं ध्यान रखूँगा और दिए हुए ये तो लगता है कि अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ इसका। अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का, अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का, पूरा शहर ही मर गया घुटशाह नफरत के धुएं में, यो लिखा है मुख पृष्ठ से चलकर गई परिशिष्ट तक इन अग्निकांडों की कथा है, फिर जल गया दामन किसी लाचार तितली का, अखबार है ये या कि नंगा तार बिजली का। और करुणा घिरी अंधी गली में थी अंधेरे की लगी कब से जहां घाते, कुचला गया विश्वासघातन वक्त के चक्के तले, चिथड़े हुई आते और मुश्किल हुआ है रोकना इस बार मितली का, अखबार है ये या कि नंगा तार बिजली का। और अंतिम स्टेंजा में फिर मौसम के माध्यम से तलखी जो समय की है, उस तलखी को शांति सुमन जी मैं नमस्कार करता हूँ पुनः, और मैं राजेंद्र गौतम, रमेश गौतम भी हमारे एक दूसरे मित्र बरेली से हैं, बहुत अच्छे नवगीत लिखते हैं, और हमारे दिल्ली में हमारे सह कर्मी रहे रमेश गौतम जी, वो भी दूसरे हैं, राजेंद्र गौतम लिखते हुए शांति सुमन जी शायद रमेश गौतम लिख देंगे शायद। तो मैंने कहा कि मौसम के माध्यम से फिर मैं समय की तलखी की बात करूं कि आंधी उतर गिद्धों सरीखी रेत हर दालान में छितरा, ये जो संदर्भ है मैं फिर, और क्योंकि ये शांति सुमन जी ने लिखा है तो मुझे संदर्भ इस रूप में याद आ गया कि एक बार राजेंद्र प्रसाद जी जब मैं शाहदरा में रहता था वह हमारे घर आए, और संयोग से मैं उस दिन उपस्थित नहीं था घर में, किसी काम से मार्केट वगैरह गया हुआ था, और मेरे लिए वो अपनी किताब छोड़ गए और उसमें वो भी लिखते हुए नाम में थोड़ा राजकुमार गौतम लिख गए राजेंद्र गौतम की जगह। और कई बार हमारे अचेतन में चीज़ें होती हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति मुझे उस रूप में आई, वो घर पर भी आए और मैं वहाँ मुजफ्फरपुर में उनसे मिलना रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन घर पर ये एक प्रसंग याद आया। तो आंधी उतर गिद्धों सरीखी रेत हर दालान में छितरा गई है,
बाढ़ आदम खोर चीते से घुसेगी बस्तियों में, खबर मौसम की यही है, फिर सतह पर रक्त है बीमार मछली का, फिर सतह पर रक्त है बीमार मछली का। अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का, अखबार है यह। और ये स्थिति निरंतर कटुतर होती गई इस रूप में। 1984 का फरवरी सॉरी जुलाई का ये गीत कि सोख कर संवेदना का जल, ध्यान चाहूंगा इस गीत की ओर आप सबका, कि सोख कर संवेदना का जल आग का खूनी समंदर दूर तक हुंकार करता है। फिर दोहरा रहा हूं कि कवि चाहता है कि स्थितियां बदलें और दुर्भाग्य ये कि स्थितियां नहीं बदलती। सोख कर संवेदना का जल आग का खूनी समंदर दूर तक हुंकार भरता है, चुप गई संभावनाएं सब निकल पाने की, दग्ध लपटों के मुहाने से झुलसना केवल बदा है, अब कुछ नहीं होना अब व्यर्थ में यूं छटपटाने से, जो मछलियों से भरा था कल ताल जाएगा वही मर, यहाँ लावा रोज झरता है, सूख कर संवेदना का जल आग का खूनी समंदर दूर तक हुंकार भरता है। और संदली ठंडी हवाओं के काफिले को भी यहाँ रेगिस्तान ले लूट। ये लूटपाट बड़ी भयानक है कि संदली ठंडी हवाओं के काफिलों को भी यहाँ रेगिस्तान ने लूटा, इसलिए हर आंख का सपना चोट खाकर कांच सा टूटा, बालकों सा सहमता जंगल, विडंबना, बालकों सा सहमता जंगल, खड़ा लोगों के रहम पर आरियों से बहुत डरता है, और सोख कर संवेदना का जल आग का खूनी समंदर दूर तक हुंकार करता है। एक मीठी आंच होती है अलावों की, एक मीठी आंच होती है अलावों की, बांटती है जो कि अपनापन, वह लपट पर और होती है फूल कलियों कोपलों का लीलती, जो तन पड़े हैं रिश्ते सभी घायल, पड़े हैं रिश्ते सभी घायल, जिसमें इनके खून से तर कौन लेकिन सांस भरता है, और सोख कर संवेदना का जल आग का खूनी समंदर दूर तक हुंकार करता है, दूर तक हुंकार करता है। काश आग के समंदर की ये हुंकार न सुनाई दे मनुष्य को, ये कामना हम करते रहेंगे। कवि तो यही करता रहेगा, कवि मेरे एक गीत की पंक्ति है कि लाख महाभारत उतारो तुम जमी पर, किंतु कवि तो करुण रामायण रचेगा, तो हम कोशिश करुण रामायण रचने की ही करते हैं। कितना कुछ हो पाएगा, हमारे सभी कलम के सिपाही लगे ही रहते हैं निरंतर। फिर एक निजी संवेदना से जुड़ा हुआ गीत पढ़ दूं मैं, फिर घट टाइम देख लेता हूं, दो चार गीत तो अभी चलेंगे। मैं अभी तो लगता है जल्दी मैं अगले संकलन पर चला जाऊं। धुंधले सीमांतों को जब जब है ताका, धुंधले सीमांतों को जब जब है ताका, भरी हुई आंखों के बिंब उभर आए, कल परसों बरसों के अंतराल फैले, नई लाल कोपल के स्वप्न हुए मैले, झुलसे कचनारों को जब तब है ताका, दो ठिठकी बाहों के बिंब उभर आए, धुंधले सीमांतों को जब जब है ताका, भरी हुई आंखों के बिंब उभर आए, चिड़िया के बच्चों से बोल कभी फूटे, पर उड़ते ही उन पर बाण कई छूटे, पथराई झीलों को जब जब है ताका, पथराई झीलों को जब जब है ताका, शब्दहीन होठों के बिंब उभर आए, और धुंधले सीमांतों को जब जब है ताका, भरी हुई आंखों के बिंब उभर आए, जिन्हें विदा कर आए हम पगवाटों पर, जिन्हें विदा कर आए हम पगवाटों पर, पता नहीं होंगे वे अब किन घाटों पर, जाल घिरे हिरणों को जब जब है ताका, जाल घिरे हिरणों को जब जब है ताका,
कुछ घायल छंदों के बिंब उभर आए और धुंधले सीमांतों को जब जब है ताका भरी हुई आंखों के बिंब उभर आए। व्यापकता जीवन में है तो अनुभवों में भी होगी और अनुभवों में व्यापकता होगी तो कविता में भी होगी। इसलिए एक ही तरह के या एक ही स्वर के गीत मैंने नहीं लिखे हैं। मैं कुछ गीतों को छोड़ता हुआ बढ़ रहा हूं क्योंकि लगता है समय उतना नहीं है। आज तो औपचारिक रूप में फादर डे भी है तो ये गीत मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि कोई घोषित फादर डे है, लेकिन ये 1 जनवरी 1984 में धर्मयुग में प्रकाशित होने वाला जो गीत था मेरा, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि गांव को लेकर हमारी जो रोमांटिक इमेज कुछ लोगों के मन में अब भी बनी हुई है और वो गांव के दुख दर्द की बात करने की अपेक्षा फिर उसी स्वर से स्वर मिलाने लगते हैं, आहा ग्राम में जीवन भी क्या है। मैं कुछ भिन्न रूप में आज ये बात कह रहा हूँ। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गाँव, परंपराओं सा बरगद का कटा हुआ ये तन बो देता है रोम रोम में बेचैनी सिहरन, तभी तुम्हारी ओर उठे ये ठिठके रहते पांव। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव, और जिसकी वत्सलता में डूबे कभी सभी संतरास, जिसकी वत्सलता में डूबे कभी सभी संतरास, पश्चिम वाले उस पोखर की सड़ती है अवलाश, किसमें छोड़ूं सपनों वाली कागज की ये नाव। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव, और इस नक्शे से मिटा दिया है किसने मेरा घर, बेखटके क्यों घूम रहा है एक बनेला डर, मंदिर वाली पीपल की भी या मस्जिद वाली इमली की भी घायल है अब छांव। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव। डॉक्टर कुसुम सिंह मेरे गीतों पर अक्सर टिप्पणियां करती रही हैं और आज भी उनको ये गीत अच्छे लग रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है। जो अपने छात्र जब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो और खुशी मिलती है। धन्यवाद कुसुम। संघर्ष तो है, कठिनाई तो है, लेकिन हम सरेंडर भी नहीं कर सकते। संघर्ष तो हमें करना ही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भावना जी संकेत कर दें कि जैसे दो कुछ 5-7 मिनट विलंब से शुरू हुआ था कि क्या इसको 7 से आगे तक बढ़ाया जा सकता है या वहीं पर मैं रोक दूं, तो फिर मैं उसी हिसाब से गीतों को चुनूंगा। यह धुआं सच ही बहुत कड़वा घना काला, यह धुआं सच ही बहुत कड़वा घना काला, किस तक दीवार फिर भी बन न पाएगा, लाश सूरज की दबी चट्टान के नीचे, सोच यह मन में ठठाकर रात हंसती है, सुन अंधेरी कोठरी की वृद्ध खांसी को, आत्मुग्धा गर्विता ये व्यंग कसती है, एक जाला सा समय की आंख में उतरा, एक जाला सा समय की आंख में उतरा, पर उजाला सहज ही यूं छिन न पाएगा, यह धुआं सच ही बहुत कड़वा घना काला, स्थिर तक दीवार फिर भी बन न पाएगा। संखिया कोई कुओं में डाल जाता है हवा व्याकुल, गांव भर की देह है नीली, दिशाएं निस्पंद सब बेहोश सीवाने, कुटिलता की गुंजलक होती नहीं ढीली, पर गरुड़ के भैरवी से पंख फैलेंगे, पर गरुड़ से भैरवी के पंख फैलेंगे, चुप्पियों के नाग का तन, नाग का फन तन न पाएगा, यह धुआं सच ही बहुत कड़वा घना काला, स्थिर तक दीवार फिर भी बन न पाएगा। शांति शशि शुक्ला जी नमस्कार, आपको गीत अच्छे लग रहे हैं और दिनेश में भी बहुत स्नेह। एक गीत, क्योंकि 90 के बाद जो गीत का परिदृश्य बदला, इसे हम यदि साहित्यालोचना की भाषा में उत्तर आधुनिकता का दौर कहें, तो उससे जुड़ा हुआ जिसमें वो सारी थ्योरीज भी आपको मिल जाएंगी और संवेदना उस समय की, कि बहुत कठिन संवाद समय से शब्द सभी पथराए, बहुत कठिन
संवाद समय से शब्द सभी पथराए, हमने शब्द लिखा था रिश्ते अर्थ हुआ बाजार, हमने शब्द लिखा था रिश्ते अर्थ हुआ बाजार, कविता की माने खबरें हैं संवेदन व्यापार, और भटकन की उंगली थामे हम विश्व गाम तक आए, बहुत कठिन संवाद समय से शब्द सभी पथराए। चोर संत के रामायण के अपने अपने पाठ, तुलसी वन को फूंक रहा है एक विखंडित काट, नायक के गल फंदा डाले अधिनायक मुस्काए, बहुत कठिन संवाद समय से शब्द सभी पथराए। ऐसा जादू सिर चढ़ बोला गूंगा अब इतिहास, दांत तले उंगली दाबे हैं रतना कर या व्यास, पर भगवानों ने दरवाजे पर विज्ञापन लटकाए, बहुत कठिन संवाद समय से शब्द सभी पथराए। परसों सुभाष जी आप सही ही कह रहे थे कि 1 घंटा तो बहुत कम होता है, और मैंने जो गीत छांटे थे उनमें से आधे ही पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब 2-3 गीत और पढ़कर, 2-2 मिनट के हैं ये सारे गीत, 1.5-1.5 मिनट के, वो फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय तक आप लोगों को बोर करूँ। ये जो मेरा गीत है ये अक्सर मेरे मित्रों ने बहुत सराहा है, मुझे भी अच्छा लगता है, संवेदनाएँ कहीं ना कहीं व्यक्त होती हैं, मदर डेज भी आते हैं फादर डे की तरह से। वृद्धा पुराण शीर्षक का ये गीत, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की, परदेशों में जाकर भी वह मुझको कब भूला, पर बच्चों की नहीं छुट्टियां आना मुश्किल है, वह तो मुझे बुला ही लेता अपने क्वार्टर पर, अरे सोच कब लगता मेरा दिल्ली में दिल है, भेजेगा मेरी खांसी की जल्दी यही दवा, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की। ये संवादात्मक गीत है। दूसरी बुढ़िया साथ में जो बैठी है वो भी अपने बेटे की प्रशंसा इस रूप में करती है, मेरे बड़के का भी खतरी परसों ही आया, तू ही कह किसके होते हैं इतने अच्छे लाल, उसे शहर में मोटर बंगला सारे ठाठ मिले, गांव नहीं पर अब तक भूला आएगा इस साल, और टूटा छप्पर करवा देगा अब की बार नया, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की। लेकिन ये प्रशंसा का दौर कितनी दूर तक चल सकता था। इसलिए तीसरे और अंतिम स्टेंजा में पहली बुढ़िया का संवाद फिर बिखर जाता है दूसरी तरफ, कि एक बात पर मित्री की माँ समझ नहीं आती, एक बात पर मित्री की माँ समझ नहीं आती, क्यों सब बड़के छुटके मझले पहुंचे देश विदेश, लठिया खटिया राख चिलमची अपने नाम लिखे, चिट्ठी पतरी तार घूमते ले घर घर संदेश, एक बात पर मित्री की माँ समझ नहीं आती, क्यों सब बड़के छुटके मझले पहुंचे देश विदेश, लठिया खटिया राख चिलमची अपने नाम लिखे, चिट्ठी पतरी तार घूमते ले घर घर संदेश, यहाँ मोतिया बिंद बचाया गठिया और दमा, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ। 2 गीत और पढ़ूंगा बस, ये गीत बरगद जलते हैं संकलन से था और अगला भी उसी से, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, भुने कबूतर शाखों से हैं टप टप जू पड़ते, और हवन कुंड में लपट उठे जो यों समिधा बनते, अंडे बच्चे नहीं बचेंगे नीड सुलगते हैं, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, पिघला लावा भर लाई यह जाती हुई सदी, पिघला लावा भर लाई यह जाती हुई सदी सदी, और हिरणों की आंखों में बहती भय की एक नदी, झीलों तालों से तेजाबी बादल उठते हैं, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, उजले कल की छाया ठिठकी काले ठूठों पर, नरक बना घुटती चीखों से यह कलरव का घर, डूब उबलती रेत पिघलती खेत झुलसते हैं, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं। और समय ज्यादा हो गया है इसलिए मैं अंतिम गीत पढ़ता हूँ, असंकलित अभी मेरे संकलनों में नहीं आया है, और
ये भी एक समय की विडंबना को व्यक्त करने वाला गीत, मैं इसको आपके सामने पढ़ रहा हूं और इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लूंगा। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। शार्दुला जी नमस्कार, आप आए। सभी मित्रों को जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये गीत इसके साथ मैं, क्योंकि 7:01 हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि समय पर मैं इसको समाप्त कर दूं कि तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से, बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से हैं। कब भला दिखते तुम्हें हम, एक अदद इंसान से हैं। पांव छाती पर धरे हो, पांव सीने पर धरे हो, या कि गर्दन पर रखे हो। देह अब सामान ले लो, यह बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। पीपलों को बरगदों को काट देना, पीपलों को बरगदों को काट देना, उधर स्विमिंग पूल होगा। बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी यहां, मौसम कहां अनुकूल होगा। और अनुकूल में कूल विशेष महत्व रखता है कि पीपलों को बरगदों को काट देना, उधर स्विमिंग पूल होगा। बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी यहां, मौसम कहां अनुकूल होगा। झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी, सेज स्पेल ऐसे भी कर सकते हैं, SEZ। तो झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी। गांव की पहचान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो। और अंतिम स्टेंजा इस गीत का, तुम खुदा हाकिम तुम्ही, तुम खुदा हाकिम तुम्ही हो, स्वर्ग का बसना यहां पर लाजमी है। तुम खुदा हाकिम तुम्ही हो, स्वर्ग का बसना यहाँ पर लाजमी। अब छू रहे आकाश तुम हो, राह रोके कौन अदना आदमी। अब चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है, चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है। रात की तुम शान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तो मित्रों, मैंने बहुत सारे गीत जो इस यात्रा को पूरी तरह से दिखला सकते थे वो छोड़ दिए हैं। असंगलित गीतों में से केवल एक ही गीत पड़ा है, जो पिछले 10-12 सालों में मैंने कुछ गीत लिखे हैं, वो तो यहाँ नहीं आ पाए हैं। बरगद जलते हैं के भी कई महत्वपूर्ण गीत समय के अभाव में छूट गए हैं। असल में संयोजन जब हम करते हैं तो तब पता नहीं चलता। तो आप सभी की उपस्थिति मुझे प्रोत्साहित करती रही। मैं एक बार फिर भावना तिवारी जी का, शिवम साहित्यिक मंच का, से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, और सभी मित्रों का जो यहां आज उपस्थित हुए। आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें एक मानसिक संबल की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो आप लोगों से मुझे प्राप्त हुआ। बहुत आभार, नमस्कार, आप सभी को बहुत धन्यवाद।